हेलो दोस्तों, मैं निषाद सर अनुराग कन्वीनियंस के सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और लेके आया हूं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। ये हमारी हेडिंग है, एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है, किससे किससे प्राप्त किया जाता है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र आप पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड को RX कहते हैं, या R के बदले आप क्या कर सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं। तो CH3X हो सकता है, या X बराबर क्या होता है, X बराबर Cl, Br, I, ये सब क्या हैं, हैलाइड हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियाँ। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नंबर फर्स्ट किससे पढ़ने चले, एल्कोहल से। किससे पढ़ेंगे, एल्कोहल से। देखिए, एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या करता है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बनाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन और फर्स्ट देखिएगा, तो देखिएगा एल्कोहल, एल्कोहल आप देख रहे हैं जिसका फार्मूला हम आपको लिखे हैं ROH, और अब क्रिया किसके साथ करानी है, HCl के साथ करानी है, और किसकी उपस्थिति में करानी है, ZnCl2 की। किसकी, ZnCl2 की। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग भी है, Cl मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तो C भी L के बराबर होना चाहिए, Cl ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो चलिए देखिएगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर R प्लस बनाएगा और OH माइनस बना लेगा, इसमें भी Cl माइनस और OH प्लस बनाएगा। अब आप जानते हैं प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, इसलिए OH किसके साथ जुड़ जाता है, H के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O बना लेता। और R किसके साथ जुड़ता है, R जुड़ जाता है इस Cl के साथ, और क्या बना लेता, RCl बना लेता। क्या बना लिया, RCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यह रिएक्शन आपका फर्स्ट जो है ये कंप्लीट है। देखिएगा, एल्किल माने एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराने पर जल तथा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, या एल्किल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड और जल प्राप्त होता है, साथ ही NaHSO4 प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है, नहीं, इनमें से कई रिएक्शन हो सकते हैं, इनमें से आपको एक रिएक्शन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है। यदि नाम से पूछेगा तो जिस नाम से पूछेगा वही रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन। ये हमारा थर्ड नंबर रिएक्शन है, देखिएगा यहाँ एक एल्कोहल का नाम लिखा गया 2-प्रोपेनॉल। क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, नाम है 2-प्रोपेनॉल। तो आप देख रहे होंगे 2-प्रोपेनॉल नाम कैसे लिखा गया, आप ऐसे नाम सभी लोग जानते होंगे। नंबर देते हैं 1, 1, 2, 3। दूसरे नंबर पर एल्कोहल समूह है, तो एल्कोहल में क्या लगता है, आल लगता है, इसलिए 2-प्रोपेनॉल। कार्बन की संख्या 3 है, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन होता है, तो 2-प्रोपेनॉल इसका नाम है। 2-प्रोपेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है भाई, 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है Cl। ठीक है, तो 1, 2, 3, दूसरे नंबर पर क्या Cl है, इसलिए 2-क्लोरो 3 कार्बन है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या प्राप्त हो जाता है, 2-क्लोरोप्रोपेन, और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, जल। 2-क्लोरोप्रोपेन का नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है, एल्किल हैलाइड। तो आपने देख लिया कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त होता है। और आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से। किससे बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त करेंगे, नंबर फर्स्ट किससे प्राप्त करना, एल्केन से। किससे, एल्केन से हम लोग प्राप्त करने चल रहे हैं एल्किल हैलाइड।
तो देखिए यहाँ लिखा गया एन ब्यूटेन, कार्बन कुल कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4, कुल कार्बन की संख्या 4 हुई, सिंगल बंद है, सिंगल बंद में एन जुड़ता है, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और अभिक्रिया किसके साथ करानी है, Cl2 के साथ। जब ब्यूटेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या करेंगे, ये Cl, देखिए Cl2, Cl2 में क्या है, ये देखिएगा 2 Cl है, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। एक Cl इस ब्यूटेन के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, क्लोरो ब्यूटेन बना देता है, क्या बना देता है, क्लोरो ब्यूटेन बना देता है। और दूसरा बचा हुआ Cl इसके एच के साथ जुड़ करके HCl बनाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एन ब्यूटेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोब्यूटेन तथा HCl अम्ल बनाता है। ठीक, चलिए बात हम लोग आगे करते हैं। ये बात करेंगे, प्रश्न है एल्केन से 3-ब्रोमोहेक्सेन प्राप्त करने की अभिक्रिया। एल्केन से 3-ब्रोमोहेक्सेन प्राप्त करने की अभिक्रिया देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, Br2 के साथ करानी है। यहाँ आप देख रहे हैं Br2 है, अब Br2 के साथ अभिक्रिया करानी है, तो ये किसने कितने नंबर पर कराया गया, तीसरे नंबर पर, किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर कराया गया है। तो आप देखिए कि अभिक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, दोनों में से कहीं पर अभिक्रिया होगी तो 3-ब्रोमोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है कि इस कार्बन पर हुई है, इस कार्बन पर हुई है, यहाँ पर क्या लग गया, Br, देखिए यहाँ CH3, CH2, CH, और यहाँ क्या लग गया, Br लग गया। और जैसे ही Br होगा तो प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। तो अब आप देखिएगा क्या हो गया भाई, ये प्राप्त हो गया 3-ब्रोमोहेक्सेन प्राप्त हो गया, 3-ब्रोमोहेक्सेन प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं, एल्कीन से किससे प्राप्त करना, एल्कीन से, एल्केन से आप समझ गए होंगे, और आगे हम लोग बात करने वाले हैं किससे, एल्कीन से हेलो एल्केन प्राप्त करना। तो एल्कीन आप देख रहे हैं, एल्कीन में बंद कितने होते हैं, डबल बंद होते हैं, तो कितने बंद होते हैं, डबल बंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा बंद लगा, डबल बंद लगा है। अब ये बंद ऐसे टूट जाता है, इस पर माइनस चार्ज और इस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और HX के साथ अभिक्रिया करानी है। तो ये है माइनस और ये क्या है, प्लस, और माइनस किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसके साथ X जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर उस कार्बन के साथ X जुड़ गया। ठीक है, और ये जो H प्लस है ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3H हो जाएंगे, कितने H हो जाएंगे, 3H हो जाएंगे, और ये प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन, क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन, या हम लोग इसको हेलो एथेन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेलो एथेन भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। हेडिंग क्या हमारे पास है, हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक, तो देखिएगा एल्किल हैलाइडों जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो देखिए हाँ, एल्किल हैलाइड और यह सोडियम आयोडाइड, इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम है फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपसे हैलोजन विनिमय द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया पूछेगा या फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पूछेगा, कौन सी अभिक्रिया, फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पूछेगा। तो आप जानते होंगे, जैसे आप जानते भी हैं कि अभी पिछली बार जो 2023 का एग्जाम हुआ है, 2023 के एग्जाम में एक रिएक्शन पूछा था, गिब्रेल रिएक्शन, क्या पूछा था, गिब्रेल अभिक्रिया पूछ दिया था, बहुत ही खतरनाक अभिक्रिया थी। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अगली अभिक्रिया देखते हैं, स्वार्टज अभिक्रिया, कौन सी, स्वार्टज अभिक्रिया। तो स्वार्टज अभिक्रिया क्या होती है भाई, सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ देखिए सूत्र क्या है, गलत लिखा गया है, ये मिसप्रिंट में है, क्या भाई, यहाँ होगा AgF,
सब क्या होने चाहिए कैपिटल, क्या होना चाहिए AgF। तो सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया मिथिल ब्रोमाइड से कराने पर मिथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मिथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये F कैपिटल होना चाहिए, क्या होगा F क्या होगा कैपिटल, ठीक है। तो अब देखिए मिथिल ब्रोमाइड यहाँ है और सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। तो अब इसकी अभिक्रिया जैसे ही कराई जाएगी तो ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा। अच्छा अब ये क्या करेंगे, फ्लोराइड CH3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और AgBr के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो CH3F बना लेगा और AgBr बना लेगा, इसे हम लोग मिथिल फ्लोराइड कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मिथिल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है मिथिल फ्लोराइड। और इसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, स्वार्टज अभिक्रिया कहते हैं। स्वार्टज अभिक्रिया कौन किसे कहते हैं कि मिथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराने पर मिथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्वार्टस अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं स्वार्टस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं हैलोएरिन, हैलोएरिन बनाने की विधियां जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट डे में करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपसे फिर मिलेंगे, और आप सभी लोग यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो आप अनुराग कर्मी एस के सर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए। यदि आप सभी को इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आपको PDF भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बताया कि कक्षा 12 की संपूर्ण केमिस्ट्री की क्लास यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो यदि आप अनुराग अकेडमी एस के सर चैनल से कक्षा 12 की केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए।